घर में आंवले का पेड़ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, घर में आंवले का पेड़ शुभ होता है या अशुभ होता है, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इस छोटे से वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पास जल्द से जल्द पहुँचते रहे, और अगर हो सके तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। अब चलिए बात कर लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घर में आंवले का पेड़ लगाते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करता है उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा जिस भी घर में आंवले का पेड़ होता है उसके घर में बीमारियां थोड़ा कम प्रवेश करती हैं, बीमारियां वगैरह से आपको बचाव होता है। इसके अलावा अगर नियमित रूप से आप आंवले के पेड़ को पानी देते हैं और उसके फलों का सेवन करते हैं तो भी आपकी जो है हड्डी संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं या संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि घर में आंवले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कदापि नहीं है। ऐसा हिंदू शास्त्र के अनुसार माना जाता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में आंवले का पेड़ लगाते हैं तो ये लाभकारी फल देने वाला पेड़ होता है। ये पेड़ हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है जिसकी वजह से हमारा जो है स्वास्थ्य मोटिवेट रहता है, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मन मोटिवेट रहेगा, मन में जो है नकारात्मक विचार नहीं घूमेंगे और नकारात्मक विचार नहीं गूंजेंगे तो हम सिर्फ सकारात्मक रहेंगे, और सकारात्मक रहने का मतलब होता है कि हमारी उन्नति संभव है। भाई हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे घर में हमने आंवले का पेड़ लगाया है और वह चल नहीं रहा है, सूख रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आपने अपने घर में आंवले का पेड़ लगाया है और वह चल नहीं रहा है, सूख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी निवास करती है। आंवले का पेड़ उस जगह पर नहीं चलता है जहाँ पर निगेटिव एनर्जी चलती है रहती है या निगेटिव एनर्जी का माहौल रहता है। इसलिए अगर ऐसा संयोग आपके साथ हो तो आप अपने घर में बजरंग बली की स्थापना कर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी।